रोजन उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा है। इतनी कमजोर तालियों में काम नहीं चलेगा साहब। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तब मैं आपको कह रहा हूँ आपकी तालियां उठे। आप अपने गुरु के सम्मान में तालियां नहीं उठाएंगे तो किसी कलाकार के सम्मान में आप नहीं उठा सकते, ये मेरा विश्वास है। एक बार दोनों हाथ उठा के पूरा सदन जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। मैं इस कार्यक्रम को की अगली कड़ी में आज इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और इस कार्यक्रम के अतिथिगणों से निवेदन करूंगा, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद दीप प्रज्वलन करते हैं, उसके बाद हमारा मधुर मनोहर अतिव सुंदर विद्या की राजधानी। मैं गण्यमान अतिथियों से निवेदन करता हूं कि महामाना के मूर्ति पर माल्यार्पण करें। आदरणीय उपेंद्र जी से निवेदन है सौरभ भैया, आदरणीय मुकेश पाठक भैया से निवेदन है, वो जहां कहीं भी उपस्थित हो, मुकेश आजाद पांडे भैया से निवेदन है प्लीज जहां कहीं भी हो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों महामना नाम है वो जिसे समाज समाधक करती है, जिनके पचिन्हों को गुण में अंकित करती है, ज्वालाओं को पूछते देख जो स्वयं कुंड में भूत भरते हैं और जिनके स्मरण मात्र से ही लोग झूम उठते हैं। एक बार जोरदार तालियां पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए जिनके कारण ये बगिया गुलजार है। आपकी तालियां कमजोर होगा तो कलाकारों का मन छोटा होगा। मैं निवेदन आपके आप तमाम लोगों से केवल इतना करूंगा, आप खुलने आए हैं, आप हंसने आए हैं, आप महबूब की बात करने आए हैं तो थोड़ा सा खुले, इसलिए खुले कि जरूरी है खुलना। एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच आरपी पाठक सर थे, एमके सिंह सर है, एक बार जोरदार तालियों से माल्यार्पण कर रहा है सर। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय उपेश राणा भैया का, वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिनका नेटवर्क जिनका फोन वोन चल रहा है तो देख लीजिए, उपेश भैया का भी जलवा है तो देख लीजिए आप कुछ भी, और तनमन हिंदू तनमन जीवन का वाली बात है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए आदरणीय उपेश राणा। आदरणीय मनोज सिंह सर, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए आदरणीय वीर प्रताप भैया से निवेदन है कि वो जहाँ कहीं भी मंच पे उपस्थित हो। आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत भैया से भी निवेदन है प्लीज वो लोग मंच पे उपस्थित हो ताकि उनकी उपस्थिति का पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक युग गीत पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संकल्पनाओं को परिभाषित करता मधुर मनोहर अतिव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। चूंकि हम संस्कृति और परंपरा के उत्सव यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृति और परंपरा की ये उत्सव लगातार चलती रहे।